नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों, मैं सुरेश विश्नोई बाबूनगर हमेशा की तरह आज एक नया टॉपिक लेकर भारतीय केंद्रीय मंत्री और उसके मंत्रालय। ये देखते हैं कि वर्तमान समय में हमारे भारत सरकार में कौन केंद्रीय मंत्री है और उनके पास कौन सा मंत्रालय दे रखा है। तो अब तक मेरे समझ में जहाँ तक मुझे नोटिस है तो वो 20 है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में अभी तक जो 20 केंद्रीय मंत्री और उनके मंत्रालय है उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो नंबर एक आता है श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो श्रीमान नरेंद्र मोदी है जिनके पास मंत्रालय के रूप में हुई एक कैबिनेट मंत्री है। तो इनके पास मंत्रालय के रूप में एक तो प्रधानमंत्री का है और एक कार्मिक मंत्रालय है, लोक शिकायतें हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे वे अन्य सभी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इतने मंत्रालय हैं। फिर आते हैं हम अगले मंत्री श्री राजनाथ। श्री राजनाथ सिंह जिनके पास मंत्रालय के रूप में इनका मंत्रालय है रक्षा मंत्री, ये रक्षा मंत्री के पद पर कार्य करते हैं। फिर बाद में अगले मंत्री आते हैं श्रीमान अमित शाह। श्री अमित शाह जो अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं। फिर बाद में अगले मंत्री है निर्मला सीतारमन जो विदेश मंत्री है। और एक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा जो रासायनिक और उर्वरक मंत्री है। फिर आते हैं श्रीमान राम विलास पासवान जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है। फिर अगले नाम आता है श्री रविशंकर प्रसाद है जो हमारे कानून और न्याय मंत्री है। फिर अगले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंदर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि किसान कल्याण मंत्री। फिर बाद में हमारे 10वें मंत्री श्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। तो इस प्रकार हमने 10 मंत्रियों के बारे में पढ़ा है। जो ये 10 मंत्री अपने पद और अपने संविधान की गरिमा को बनाए रख रहे हैं। फिर बाद में 11वें मंत्री के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमन और श्री अर्जुन मुंडा सॉरी रमेश श्री रमेश पोखरियाल जो मानव संसाधन विकास मंत्री। फिर है श्री अर्जुन मुंडा आदिवासी मामलों के मंत्री। फिर श्रीमती स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री और साथ में उनको कपड़ा मंत्री भी बनाया हुआ है, मंत्रालय भी उनके पास है। और अगले मंत्री है श्री प्रहलाद जोशी है, वो संसदीय मामलों के मंत्री है, साथ में कोयला खान मंत्री भी है। फिर है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे डॉक्टर
महेंद्रनाथ पांडे, ये हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। फिर है श्रीमती हरी सिमरन कौर बादल, ये हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, ये हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। फिर बाद में हमारे अगले मंत्री 17 नंबर के श्री थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। फिर हमारे 18वें मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान है, वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है। फिर हमारे 19वें मंत्री के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी है, जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री है। और हमारे जो 20वें मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जल मंत्री है, केंद्रीय जल मंत्री। तो इस प्रकार से हमने आज 1 से लेकर 20 भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों की बारे में अध्ययन किया, उनके नाम जाने, उनके मंत्रालय। तो आप सभी बच्चों, इन सब का नाम लिखना है और इनके नाम के सामने किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है वो मंत्रालय अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में आप फोटो खींचकर सेंड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।